सो हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फेसबुक फॉलोअर जो पब्लिक पोस्ट होती है वो आपकी मिसिंग है क्यों, और आपके पास ऑप्शन आए क्यों नहीं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए जस्ट आपको क्या कारण होगा, जस्ट आपको यहाँ पे 3 लाइन पर आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का, ओके। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दें, आपको फिर से यहाँ पे सेटिंग पे चले आना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक फॉलोअर्स एंड पब्लिक जो पोस्ट होती है, पहले क्या था, पब्लिक पोस्ट था, आप फॉलोअर एंड पब्लिक पोस्ट यहाँ पे था, लेकिन अब यहाँ पे मिसिंग है। तो मिसिंग है और यहाँ पे क्यों नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको फेसबुक का हर फुल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो बात होती है कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है मिसिंग क्यों है, ओके। तो इसके लिए मिसिंग क्यों है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 18 यानी 18 वर्ष के बाद आपका अगर साल है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या कारण होगा, जो 18 साल से नीचे का है उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपना सेटिंग पे चला जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट पब्लिक डिटेल्स, ओके। तो आपको यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा, ये जो अकाउंट आप देख रहे हो ना, ये नया अकाउंट है, अभी मैं खुला हूँ तो ये वीडियो बनाने के लिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपको 18 प्लस होनी चाहिए, 18 के नीचे होगी तो आपका जो ऑप्शन नहीं आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करने आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एडिट योर अबाउट इन्फो, आपको यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो फ़ोन नंबर है और आपका जो मेल जेंडर बेसिक इन्फो है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है बेसिक इन्फो अंदर आपको मिलती है, ओके। तो आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपको चेंज करनी है, 18 प्लस करनी है, तब भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे बर्थ ईयर को जो है यहाँ पे आपको एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2000, ओके। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपका जो साल है थोड़ा छेड़छाड़ कर दीजिए। यहाँ पे कर देने के बाद आप देख सकते हैं आई कन्फर्म दैट आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, ओके। आपको यहाँ पे टिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर वेट करना होगा सेव करने के लिए। जस्ट आप देखते हैं सेव होता कि नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं सेव हो चुकी है, ओके। यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो हम फिर से सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग में देखते हैं वो ऑप्शन हमारा जो है मिला कि नहीं। तो आईडी को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद जस्ट आपको फिर से यहाँ पे 3 लाइन पे आ जाना है और फिर से यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी, और आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, ओके। आपका यही प्रॉब्लम है, अगर आपका 18 प्लस एज नहीं है तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 18 प्लस एज है तभी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो आपने से लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।